तो सभी को नमस्कार। मैं भारती पंडित आज जन सरोकार मंच टोंक के इस पटल पर आप सभी से मुखातिब हूँ। मैं मूलतः ग्वालियर में पैदा हुई, इंदौर मेरी कर्मस्थली रहा है और वर्तमान में मैं भोपाल में कार्यरत हूँ। तो मैं भोपाल में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ, भाषा के क्षेत्र में काम करती हूँ शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में, और हम शिक्षकों के साथ काम करते हैं, कुछ मॉड्यूल राइटिंग वगैरह का भी काम करते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे काम में शामिल है। इसके अलावा लिखने का शौक है, कविताएं लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ, आलेख वगैरह भी काफ़ी लिखे हैं और ये काफ़ी सालों से लिख रही हूँ। करीबन 91-92 से मैंने इस तरह से लिखना शुरू किया था, प्रकाशन की तरह से। वैसे तो बचपन से ही, करीबन 8वीं-9वीं क्लास में थी तब से छोटी छोटी कहानियाँ वगैरह लिखना शुरू की थी। पहली 1-2-3 कहानियाँ उस समय चंपक और नंदन आया करती थी तो उसमें छपी भी है, मधुमुस्कान भी एक पत्रिका थी उसमें भी छपी है, तो बहुत सारी कहानियाँ लिखा करती थी। 91-92 से फिर मूल धारा में ऐसा लिखना शुरू किया। कहानियाँ मेरा मूल क्षेत्र रहा लिखने का पहले, लेकिन कविताएँ भी अब लिखी हैं। 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई है, एक है महक जिंदगी की जिसकी कुछ कहानियाँ आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, और दूसरी पुस्तक है सी बीच और अकेली लड़की। दोनों ही पुस्तकें बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और सी बीच और अकेली लड़की इसी साल प्रकाशित हुई है जनवरी में। आशा है इस कोरोना के काल में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कोरोना की सारी सावधानियों के साथ अपने काम में जुटे होंगे और सभी साहित्यिक गतिविधियों का भी लाभ ले रहे होंगे। एक्चुअली इस कोरोना की महामारी ने ऑनलाइन मंच पे बहुत सारा जो एवेन्यूज है वो खोल दिए हैं। इनफैक्ट हम लोग जब टीचर्स के साथ काम करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से जब मिलना नहीं हो पा रहा है टीचर्स से तो हम ऑनलाइन मंचों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स के साथ हम जुड़ पा रहे हैं। इसी तरह से साहित्य के क्षेत्र में भी देखें तो फेसबुक लाइव ने बहुत एक अच्छा मौका दिया है, अच्छा आयाम खोला है सभी के लिए और उपयोगी है। इस तरह से हम सबसे जुड़ पाते हैं। शायद साहित्यिक सम्मेलनों में जाना उतना मुश्किल होता था, दूर है, वेन्यू दूर है या बाहर के लोग भी साथ जुड़ नहीं पाते हैं, शहर शहर के लोग ही जुड़ेंगे, बहुत सारे आयोजन करने पड़ते थे, तो इस लाइव ने बहुत चीज़ें आपके लिए। तो वापस आती हूँ कहानियों के लिए, तो कहानियाँ काफ़ी सारी छपी, फेमिना में मेरी बहुत कहानियाँ छपी और दुर्भाग्य से फेमिना हिंदी जो है उसका जो हार्ड कॉपी जिसको हम कहते हैं वो ऑनलाइन ही रह गई है, पिछले वर्ष वो भी बंद हो गई है। आज ही नंदन और कादम्बिनी भी बंद होने का समाचार जो मिला है। तो फेमिना एक ऐसी पत्रिका थी, मैं उल्लेख करना उसका इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि कई सारी रचनाएँ मेरी जो थोड़ा सा प्रोवोकिंग होती थी, मैं अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हूँ और उसी विचारधारा पर विश्वास भी रखती हूँ, तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती थी जो वापस लौट आती थी कि नहीं इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह से दिया गया है जो कि नहीं छाप पाएंगे। लेकिन फेमिना एकमात्र ऐसी पत्रिका थी जिसने हर तरह के विचारों का स्वागत किया, बोले हाँ बदलाव है तो फिर ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। तो कहानियों के साथ मैं काफ़ी सालों से चलती रही हूँ, कविताएँ भी कुछ लिखती हूँ। और कहानियों के लिए मेरा मानना यह है कि एक्चुअली लाइफ ही एक कहानी है हमारी, मतलब पूरा जीवन ही एक स्टोरी है ना। हम जो भी घटना भी बताते हैं तो उसी तरह से बताते हैं, भाई ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और शायद हर एक की लाइफ में एक न एक नई 1-2-3-4 स्टोरीज चलती रहती हैं। तो कहानियाँ जैसे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और एक और ख़ास ये कि कहानियाँ लोगों से जुड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। जो चीज़ आप चाहते हो कि लोगों तक पहुँचे लेकिन बिना किसी उपदेश के तरीके से पहुँचे, तो उसे कहानी के माध्यम से कहना शायद ज़्यादा रुचिकर होता है। कहानियों की संरचना लोगों को आकर्षित करती है और धीरे से कहानी अपने अंदर जो छुपा होता है अंत तक उसमें कुछ न कुछ मैसेज लोगों को दे ही जाती है, तो इसलिए। और शायद कहानी में विस्तार की गुंजाइश होती है। कविता गद्य की विधाओं या गद्य पद्य की विधाओं का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी कहानी में जो विस्तार की गुंजाइश होती है आपको बहुत सारी बात सीधे सीधे कहने का मौका देती है। तो ऐसी कुछ कहानियों से रूबरू होंगे
और साथ साथ कुछ बातचीत भी करते जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मेरा मूल एरिया जो है वो मतलब नारीवादी कहानियां मैं ज्यादा लिखती हूँ, लेकिन समाज की विकृतियां जो मुझे मैं भोगी है मैंने, या फिर जो मेरे सामने आई है, जिनके सामने लगता है कि नहीं ये सब नहीं होना चाहिए समाज में, तो उन छोटे छोटे मुद्दों को लेके कहानियां लिखी है। लंबी कहानियां नहीं होती है जनरली मेरी, और अगर मराठी में जाए तो मराठी में इस तरह की कहानियों को हम लघु कथा कहते हैं, और कथा वो होती है जो बहुत लंबी होती है। तो मराठी की दृष्टि से शायद ये सारी कहानियां मेरी लघु कथा की श्रेणी में आएंगी, लेकिन इस पुस्तक में भी जितनी कहानियां समावेशित है, हर कहानी किसी न किसी प्लॉट को, किसी खास उद्देश्य को लेकर लिखी गई है और शायद आपको पसंद आएंगी। ममता जी स्वागत, विश्वन भस जी आपका भी स्वागत। तो पहली कहानी मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ, कहानी का टाइटल है शुद्धि, और ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। ये मूलतः जातिवाद पर आधारित कहानी है, और मजे की बात है कि इस पुस्तक का जब विमोचन हुआ तो दो लोगों ने इसकी समीक्षा की थी, और दोनों लोगों के इस कहानी को लेकर एकदम अलग अलग व्यू थे। तो एक ने इस कहानी को एक पात्र के एंगल से देखा और दूसरे ने इस कहानी को दूसरे पात्र के एंगल से देखा। तो मेरे लिए सुनना बड़ा मजेदार था। एक्चुअली हम ये कहते हैं ना कि कहानी जो होती है, लेखक जो लिखता है वो सारा का सारा अर्थ उस गद्य में नहीं होता है। हम जो लिखते हैं पाठक अपनी तरीके से उसको ग्रहण करता है, और उस तरीके से वो जो अर्थ ग्रहण करता है वो उसके अपने अनुभवों से आता है। तो अर्थ पूरा का पूरा टेक्स्ट में नहीं है, तो हम सबके मन मस्तिष्क में भी अर्थ है। और ये चीज मुझे बहुत क्लैरिटी के साथ उस दिन समझ में आई जब सेम कहानी पर दो लोगों के एकदम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव मुझे समझ में आए। तो वही कहानी मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, आशा है आप सभी को पसंद आएगी और प्रतिक्रिया आप सब देते रहिएगा। फोन की घंटी बराबर बजी जा रही थी। वह दफ्तर की किसी फाइल में उलझा हुआ था। पद मिलता है तो अपने साथ कई दिक्कतें लेके आता है, कुछ देता है तो उससे ज्यादा ले भी लेता है। इस पद ने उसे मान सम्मान रुतबा तो दिया था, कुछ व्यवधान शायद इसमें आया, इस पद ने उसे मान सम्मान रुतबा तो दिया था, मगर छीन लिया था उसका सुकून, उसका वक्त जिस पर उसका अधिकार था। अब अक्सर रात देर तक दफ्तर में रुकना और सुबह जल्दी आधा भागना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। फोन अब भी बजे जा रहा था। उसने फाइल खिसकाई और फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे सुखदा, हम हैं रामचरण, पहचाना कि नहीं? रामचरण काका, और मुझे फोन कर रहे हैं? उसका मन क्षोभ, आश्चर्य, असमंजस सभी के मिले जुले भावों से भर गया था। तुम्हारे पास के टोले से बचवा, अब पहचाने? हाँ काका, आपको कैसे नहीं पहचानेंगे, आपके साये में तो बचपन बीता है। कहिए कैसे याद किया? अरे भाई, अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, बड़े आदमियों को तो याद किया ही जाएगा, वहां से है करते भाव से कहा गया। आप तो आदेश कीजिए काका। अरे बचवा, सबसे छोटे वाले की कछु परीक्षा मरीक्षा है, फिर एक दो लोगों से मिलवाना भी है। अब तुम तो जानते हो, बीमारी ने कमर तोड़ डाली हमारी। बड़े शहरों में एक दो दिन बितावे के लाने भी खूब रुपया लागे है। अब तुम हो शहर में तो सोचे बात ही कर ले, फिर तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हारा साथ रहेगा तो थोड़ा रौब पड़ेगा। कब आ रहे हैं काका? उसने पूछा। अगले सोमवार आएंगे बचवा, चलो रखते हैं, ईश्वर सुखी रखे। ईश्वर सुखी रखे, ईश्वर सुखी रखे, उसके दिमाग में यह वाक्य बड़ी देर तक झंझनाता रहा। उसका परिवार कभी सुखी न रह सके, यह जतन करने में जिन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, वही आकर अब उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, ईश्वर सुखी रखे। वाह रे समय, उसके ओठ विद्रूप सी मुस्कान लिए फैल गए थे। यादों की जुगाली हरेक को सुख के गोते खिलाए, ठंडक का एहसास दिलाए जरूरी नहीं है, और उसके लिए तो अतीत का, यादों का अर्थ ही था ढेर सारी कड़वाहटें, जिल्लतें और अपमान के घूंट। यह सब उसके हिस्से क्यों आया था,
इसमें उसका दोष क्या था वो आज तक न समझ सका। उसका दोष क्या यह था कि उसने पैदा होने के लिए एक ऐसा गांव चुना था जिसमें आज़ादी के 45 साल होने के बावजूद जात पात का नासूर उसी शिद्दत से फलफूल रहा था। क्या उसका दोष यह था कि उसने एक ऐसी माँ के गर्भ में आकार लिया था जो दलित थी, या दोष यह था कि उसकी माँ दलित की स्त्री होकर सुंदर थी और बाप असहाय था, या यह कि दलित होने के साथ साथ उसके माता पिता स्वाभिमानी थे। नमस्ते चंद्रमान जी। करेला और नीम चढ़ा, ऐसी ही गति थी उसकी, गरीब और उस पर नीची जाति में जन्म। उस समय भले ही प्रत्यक्ष में छुआछूत खत्म हुआ सा दिखता था, गांधी जी के हरिजन विचार ने भी बहुसंख्य लोगों को प्रभावित किया था, मगर फिर भी सीधी के पास के गांव के उस टोले में बदलाव की कोई लहर ना आ सकी थी। उसका नाम सुखदा है यह तो उसे स्कूल जाते समय बापू के बताने पर पता चला था। घर में तो बचवा छोटू से काम चल जाता था और बाहर बाहर शायद ही कोई उसे नाम से बुलाता था। उसे तो ओए छोरे, कमकल, गधे, हरामी, इन्हीं उपनामों से 5 साल तक उसका काम चलता रहा था। स्कूल की मैडम ने पुकारा तो वो उठ खड़ा हुआ। कक्षाएं सम्मिलित लगी थी सो उसका नाम सुनते ही टोले के बड़े लड़के उठकर हंस पड़े। ओए साले का नाम भी लुगैयन वाला है रे। वो बिसूता हुआ घर आया, माँ से पूछा, ऐसा नाम क्यों रखा मेरा? उस दिन अपने कलुषित जन्म का पहला अध्याय खुला था उसके सामने। बाप ने पर एक दलित के नाम में राम कैसे शामिल होगा? उस राम पर तो ऊंची जाति का कॉपीराइट था। इन्हीं रामचरण काका ने पंचायत बुलवाकर खूब खरी खोटी सुनाई थी उसके बाप को। डरकर उसके नाम के पीछे का राम हटा दिया गया और वह बन गया सुखदा। तब से यह नाम मैट्रिक तक उसके साथ लगा रहा। मैट्रिक के फॉर्म भरते समय नाम बदलने का विकल्प था और सुखदा से सुखराम बनने का भी, मगर राम हो या श्याम उसके साथ उसका तो साथ किसी ने नहीं दिया था। सो उसने अपनी माँ का नाम मीना साथ लगाना उचित समझा और वह सुखदा से एस मीना हो गया। आज उसके टोले के अलावा कोई नहीं जानता सुखदा को, सब जानते हैं सहायक निदेशक एस मीना को। यादों की जुगालियों का कसेला स्वाद जैसे जबान से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर त्योहार उस टीले के मंदिर में उत्सव हुआ करते, दिन रात कथा पूजा पाठ नाच गाना चलता, मगर उसके जैसे परिवारों को मंदिर की देहरी चढ़ने की इजाजत ना थी। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ मंदिर के बाहर खड़ा रहता। उस उम्र में प्रसाद में मिलने वाली हलवा पूरी का भी भारी लालच हुआ करता था। घंटों के इंतजार के बाद रामचरण काका और उनके जैसे ही कुछ लोग दया दिखाते हुए हलवा पूरी के निवाले उनके हाथों में फेंक दिया करते थे। हलवा पूरी के साथ घुले उस तिरस्कार का स्वाद आज तक उसकी जुबान पर कायम है। उसे यह बात अब तक समझ में नहीं आई थी कि जिस मंदिर की देहरी पर उनका चढ़ना मना था उसके प्रसाद के गेहूं तो उसकी माँ और ऐसी ही दूसरी औरतों ने फटके पीसे थे। हलवे की कढ़ाई माँ ने साफ की थी, फिर यह चलेगा और यह नहीं, किसने बनाए होंगे ऐसे बेतुके नियम। वह कड़वाहट के तालाब में गोते खाने लगा था। चैत की धूप, बापू की बीमारी, ऐसे में रामचरण काका के घर से माँ को बुलावा। साल भर के गेहूं साफ करते, फटक कर कोठियों में भरने के लिए टोले की गरीब औरतों से बढ़कर बेगार करने के लिए भला कौन मिलता। उसे याद आ गया माँ का पसीने और भूसे से लथपथ चेहरा, किलो दो किलो अनाज, रोज 2 कप चाय, 1 साड़ी और 10 रुपए का मटमैला सा नोट, यही मिलता था पूरे हफ्ते दिन भर काम करने का सिला। पर उस समय उतना ही आसरा काफी होता था, कम से कम चूल्हा जलाने की जुगत तो हो जाती थी कुछ दिन। सुखदा घर का इकलौता बच्चा था, उससे बड़ा वाला मोतीझरा से चल बसा था और छोटी बहन को काली खांसी खा गई थी। बापू माँ के पीछे हाथ धोकर पड़ा था कि इसे काम पर लगा दो, घर को हथेली लग जाएगी। यह तो माँ ही थी जो अड़कर बैठी थी कि सुखदा मजदूरी नहीं करेगा, स्कूल जाएगा, हमने जो दिन देखे हैं मेरा बेटा ना देखेगा वो सब।
आज जब सुखदा हर जगह स्त्री विमर्श की बात सुनता है तो महसूस करता है कि मातृसत्ता का अनुभव तो उसके ही घर में प्रत्यक्ष मौजूद था। घर का तिनका भी माँ की मर्जी के बिना, माँ की सलाह के बिना हिलता ना था। सुखदा ने स्कूल जाना शुरू किया और वह उस माहौल में रमने लगा। साल दर साल परीक्षा पास करता गया। सबसे नीचे से शुरुआत करके 5वीं तक आते आते पहले 5 विद्यार्थियों में नाम दर्ज हो चुका था उसका। मैडम उसके साथ बड़ी सहृदय थी। यूं भी तिरस्कार के परिवेश में कोई प्यार से दो बोली बोल दे तो बड़ा ढाढ़स बनता है। मैडम ने उसके पढ़ने में रुचि और अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उसे नवोदय विद्यालय की परीक्षा में दाखिल करवा दिया था। जीवन एक झटके में बदलता है। अगला कौन सा पल सारा जीवन बदल डालेगा कोई नहीं जानता। धन्यवाद सुशील जी। ऐसे ही वह भी नहीं जानता था कि त्रासदी के दिन खत्म होने को है। उसका दाखिला नवोदय विद्यालय में हो गया और उसे यूं लगा मानो स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल गए हो। अव्यवस्था से तार तार हुआ जीवन एकदम व्यवस्था की पटरी पर आ चला था। उसे यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि यदि टोले की नारकीय जिंदगी में वापस नहीं जाना है तो उसे मन लगाकर पढ़ना होगा। पढ़ाई ही एकमात्र पतवार है जो उसके जीवन की नैया को पार लगाएगी, और उसने उस पतवार को कस कर थाम लिया था। उसके जीवन की त्रासदी पूरी तरह से दूर हो गई हो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि स्कूल की छुट्टी के 2 महीने उसे उसी टोले में बिताने होते थे। उतनी ही घृणा, उतने ही तिरस्कार के साथ। बापू बीमार रहने लगा था। माँ ने बापू की मजूरी पकड़ ली थी। अपनी सुंदरता से अभिशप्त अप्सरा की तरह हो गया था माँ का जीवन। उस समय तो वो ज्यादा समझ नहीं पाता था माँ बापू के बीच क्या बातें हो रही हैं, मगर अब सब साफ दिखाई देता है। टोले में ठेकेदार, पंचायत का माप को सरेआम जलील करना। माँ बापू तो अब रहे नहीं, मगर यह सब कुछ उसके जहन में यूं ताजा था मानो कल ही की बात है। इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर पढ़ाई की लगन रंग दिखाती गई। जीवन भर दबे कुचले रहने के एहसास ने सत्ता की चाहत को जन्म दिया और शुरू हुई होड़ प्रतियोगी परीक्षाओं की। कुछ उसकी काबिलियत रंग लाई, कुछ सरकारी सहयोग रंग लाया, दोनों ने मिलकर आखिरकार उसे अधिकारी पद पर नियुक्ति दिला ही दी। नियुक्ति मिलने के बाद वह जानबूझकर सरकारी गाड़ी में बैठकर गांव गया। बड़ी गाड़ी देखते ही बच्चे शोर मचाते हुए गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगे। गांव में किसी ने उसे पहचाना और सारे गांव में हल्ला मच गया। अरे सुखदा आया है, सुखदा आया है, बड़ी सी सरकारी गाड़ी में, अफसर हो गया भाई। सब अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। सुखदा सबसे पहले अपने टोले में गया, अपने जात भाइयों से मिला, अपनी टूटी झोपड़ी की ओर निहारा जो अब तक उसी अवस्था में बनी हुई थी। एक क्षण को लगा मानो माँ बाहें फैलाए उसे आशीष देने को खड़ी हो। दो क्षण दरवाजे पर भरे मन से खड़ा रहा। टोले में सबसे मिलकर वह स्कूल गया। वहां मैडम अब तक बनी हुई थी, वृद्ध हो चली थी। उन्होंने बड़े स्नेह से सुखदा पर आशीषों की झड़ी लगा दी। सुखदा उनके चरणों में बैठ गया। यदि मैडम ना होती तो आज वह इसी नरक में पड़ा होता। स्कूल से बाहर निकलते ही उसे मंदिर के पुजारी और बाकी सभी लोग मिल गए। कैसे हो सुखदा, बड़ा अच्छा, इतना आगे बढ़ गया है, जीते रहो, खूब तरक्की करो। गांव का बच्चा, उसके कानों में बरसों पहले के संबोधन गूंजने लगे थे। साला सुअर, हरामी का पिल्ला, काम ढेले भर का करे है और खावे की लागे ढेर सा। इस समय उसे माँ बापों की कमी बुरी तरह से महसूस हुई। काश कि वे देख पाते दुनिया किस तरह बदल जाती है तरक्की मिलते ही। रामचरण काका के लाख कहने पर भी वह उनमें से गया। अपने टोले में ही रोटी खाकर वापस हो लिया। उसके बाद टोले से संबंध खत्म सा हो गया था। टोले के कुछ युवक शहर आते तो उससे मिल जाते, कुछ खबर मिलती रहती, बस इतना ही। सोमवार आ गया। सुखदा ने गाड़ी भिजवा दी थी रामचरण काका और उसके बेटे के लिए। नौकरानी को सब समझा कर वह दफ्तर को निकल गया था। घर में ड्राइवर को बोल दिया था मेहमानों को जहां जाना हो ले जाए। दिन भर सोचा एक बार फोन करके पूछ लिया जाए, पर मन ही ना हुआ। लगा इतना कर दिया है वही काफी है।
रात को खाने पर मुलाकात हुई। रामचरण काका बड़े स्नेह से मिले। उनका बेटा भी बड़ा समझदार हो गया था। कैसी रही परीक्षा? पेपर तो अच्छा ही था, अब देखते हैं। वैसे भी हमारे लिए मौके है ही कहाँ अब, वह बेटा एकदम बोल पड़ा था। तीर सा जा लगा था यह वाक्य उसके कलेजे में। रामचरण काका ने बेटे की ओर घूर कर देखा था। सुखदा ने जैसे सुनकर अनसुना कर दिया। बोला, कल भी मैं दिन भर व्यस्त हूं, गाड़ी यहीं रहेगी, जहां जाना हो ड्राइवर को बता दीजिएगा। और हाँ, चंपा यहीं रहती है दिन भर, जो खाना हो उसे बनवा लीजिए। तुम चिंता ना करो बचवा, इतना कर रहे हो वो क्या कम है? तुम्हारे तो नाम से ही काम आसान हो जावे है, रामचरण काका ने गदगद भाव से कहा। बस एक वापसी का टिकट देते हुए कहा, हाँ काका, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा, वह कटवा लाएगा कल। रात देर तक करवटे बदलता रहा। मन क्यों इतना असहज था उसे समझ में नहीं आ रहा था। जरा आंख लगी तो सपने में टोले में वापस चला गया। वही तिरस्कार, मखौल, गालियां, लाते, घूसे। वह हड़बड़ाकर जागा। देखा, घड़ी 6 बजा रही थी। एक लंबी सांस लेकर वह बिस्तर से उठा। शुक्र है भगवान का, यह सब सपना ही था। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। चौथे दिन रामचरण काका की वापसी थी और संयोग से उस दिन अवकाश था। दोपहर के खाने के बाद रामचरण काका और उसके बेटे ने चलने की अनुमति मांगी। वह हैरानी से बोला, इतनी जल्दी निकलने की क्या आवश्यकता है काका? ट्रेन तो शाम 5 बजे की है। नहीं बचवा, दूसरी गाड़ी है दोपहर की, उसी में मिला है टिकट। ठीक है, फिर आइएगा, कहकर उसने मेहमानों को विदा किया था। ड्राइवर उन्हें ट्रेन में बिठाकर वापस आ गया था। उसने ड्राइवर से पूछा, कौन सी ट्रेन का टिकट कटवाया था? सीधी के लिए अभी कौन सी गाड़ी थी? तो शाम की गाड़ी है। नहीं साहब, वे सीधी नहीं गए हैं, बोल रहे थे घर से निकल आए हैं तो गंगा मैया के दर्शन आने कब आना होगा। बनारस की गाड़ी में बिठा के आया हूं उन्हें। उसके दिलो दिमाग में धमाके से होने लगे थे। उसके दिमाग में रामचरण काका की माँ की छवि घूम गई, जो टोले की औरतों से अनाज साफ करवाने के बाद अनाज की टंकियों पर गंगा का जल छींकते हुए कहा करती थी, कृपा बनी रहे गंगा मैया, गंगा मैया शुद्ध कर देती है, कृपा बनी रहे गंगा मैया सब शुद्ध कर देती है, सारे कंटक धो देती है, छूत अछूत सब खत्म कर देती है, कृपा बनी रहे गंगा मैया। कटे पेड़ की तरह सोफे पर ढह गया था। लगता था कि सब कुछ बदला है, पर सचमुच कुछ भी नहीं बदला था, कहीं कुछ भी नहीं बदला था। तो धन्यवाद, पहली कहानी थी, आप सभी को शायद पसंद आई होगी। इस कहानी का अंत पढ़ते पढ़ते मुझे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब हम लाख कहते हैं कि चीज़ें बदली है, दिखती भी है, लेकिन ऐसा ही एक मतलब किस्सा भी सामने आया था, जिसमें इसी तरह के एक व्यक्ति, सारी चीज़ें होती हैं लेकिन शादी ब्याह वाला मामला कभी नहीं आता, तो उस बड़े अधिकारी से उनकी बेटी का प्रेम हुआ, लेकिन सिर्फ इस बात पे कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो जाति वाला मामला है ना, तुम हमारे गांव में पहले छोटी जात में रहे, अब हम कैसे उससे शादी कर सकते हैं। तो अक्सर शिक्षकों से बात करते समय भी हम इस बात को उठाते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें हैं, और सब कहते नहीं, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो ऐसा है ही नहीं। ये जो बारीक बारीक चीज़ें होती हैं ना, उनको देख ही नहीं पाते। तो फिर छोटी सी चीज़ उठाते हैं प्रश्न में कि आप बताइए, आप अपने घर की बाई को कौन से प्लेट में खाना देती हैं या कौन से कप में पानी देती है, वही चीज़ें खुल जाती हैं। तो ये एक्चुअली जो जाति पाति के नासूर है, वो इतने आसानी से ख़त्म होने वाले नहीं है, इसलिए इसके लिए लगातार प्रयास करना ज़रूरी है, विमर्श होते रहने चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए, और इन सारे मुद्दों पर भरपूर लिखा जाना चाहिए, मुझे हमेशा से लगता है। सभी का आभार, आपको कहानी पसंद आई, ब्रजमोहन जी, सुनील जी, चंद्रभान जी, थैंक यू सो मच। तो मैं बढ़ती हूँ अपनी अगली कहानी की ओर। अगली कहानी एक घर की कहानी है। हम व्यवस्था से हटके सुधार करें जरूरी नहीं होता, उस व्यवस्था में रह के भी सुधार किया जा सकता है। तो ऐसी ही एक बहू की संकल्पना थी, जो घर में रहकर भी बहुत सारी चीजों को किस तरह से
दूर कर सकती है। और एक और चीज बताऊं कि बिल्कुल नहीं खत्म हुआ एक्चुअली, तो ये मैं इसको हमेशा एम्फेसिस करती हूँ कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। जाइए जरा इंटीरियर के गांवों में, सब समझ में आएगा। इनफेक्ट मतलब हम लोग जब स्कूल विजिट्स पे जाते हैं, जाते थे सीहोर, जैसे हम भोपाल के पास में सीहोर है, उसके पास के गांव में भी, तो जो व्यक्ति थे जिनके पेरेंट्स के पास हम लोग जाते हैं, वो पूछते हैं कि मैडम आप पानी पियोगे क्या हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोग पानी नहीं पीते हैं। बहुत नंगी सच्चाइयाँ हैं, बहुत कड़वाहट है, कड़वाहट है, और बहुत भद्दापन है, मैलापन है, जो का सामना दहलता है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप नहीं सोच पाएंगे, लेकिन इस सरनेम का आपको बहुत प्रिविलेज मिलता है जीवन भर। तो आज मैं सोचती हूँ जो मेरे नाम के पीछे भारती पंडित लगा हुआ है, या मेरे पैटर्नल नाम के पीछे जो चीजें लगी हुई है सरनेम, ये आपको कितना अनचाहा प्रिविलेज देता है सोसाइटी में, और हम इसको महसूस नहीं करते हैं। तो अगली कहानी पर हम चलते हैं। ये भी मानो कि स्त्रीवादी मानसिकता के साथ साथ मेरा है ना ऑब्जेक्शन इन सारे अंधविश्वासों पे, इन सारे रीति रिवाजों पे भी रहा है जबरदस्त। मतलब चाहे वो करवा चौथ है, चाहे वो हरतालिका तीज है, चाहे वो सत्यनारायण की कथा है, चाहे किसी तरह का पूजा पाठ है, क्योंकि उसके पीछे के लॉजिक मुझे कभी समझ में नहीं आए। तो बहू होते समय भी मैंने कई सारी चीजों को तोड़ने की कोशिश की है, और अभी भी कोशिश यही रहती है कि मैं कन्विंस ये कराऊं कि हर चीज को लॉजिक के साथ ग्रहण कीजिए। अगर लॉजिक सही है तो ठीक है, अगर लॉजिक नहीं है तो उसको खारिज करना सीखिए चीजों को। तो ऐसी एक कहानी, ये भी शायद पसंद आएगी आपको। कहानी का नाम है हमारी बहू सुनंदा, शीर्षक है जी, बहुत संघर्ष है। आज से 6 महीने पहले की बात करें तो इस कहानी में टाइटल पात्र है मिश्राइन है, जो एक बहुत पारंपरिक नारी है, और उसका बेटा है, उसकी बहू है, और बहू के आने से जो क्रांति घर में होती है, इसी को थोड़ा सा मैंने आने लाने की कोशिश की है। आज से 6 महीने पहले की बात करें तो मिश्राइन अपने आप को दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली स्त्रियों में से एक समझती हुई फूली न समाती थी। और क्यों न समझे, आखिर ऐसी बहू हर एक को मिलती है क्या? मिश्रा जी ने बड़ी मेहनत से अपना व्यापार जमाया था, मगर पता नहीं किसके बहकावे में आकर भरी जवानी में सन्यासी हो गए, और बच्चों को बड़ा करने का जिम्मा मिश्रा जी के कंधों पर, मिश्राइन के कंधों पर आ गया था। मिश्राइन ने उसे बखूबी निभाया भी था, बेटियों को पढ़ा लिखा कर उन्हें अच्छे घरों में भी अच्छी शिक्षा दिलाई, अच्छे कॉलेज से किस व्यापार को बेहतर तरीके से संभाल रहा था। बेटे की शिक्षा पूरी होते होते मिश्राइन को आस पड़ोस की औरतों की नसीहतें मिलने लगी थी। देखो मिश्राइन, आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, इससे पहले कि किसी गैर जात की ब्याह कर ले आए, कम से कम सगाई तो कर ही डालो लड़के की। मिश्राइन हालांकि खूब समझती थी इन पड़ोसिनों की चिकनी चुपड़ी बातों को, कि किसी को उनमें से अपनी भांजी, किसी की भतीजी, किसी की पोती शादी की उम्र की हो चली थी। अब मिश्राइन के लड़के जैसा दामाद मिलना तो किस्मत की बात थी, लेकिन थोड़ी धुक धुक मिश्राइन के मन में भी लगी रहती थी। जवानी का खून है, क्या भरोसा। और अगर बड़ी नियामतों से पाला लड़का किसी गैर जात की लड़की को सामने ले ही आया तो क्या ना कह पाएंगी वो, और क्या उनकी बात का मान रखेगा बेटा? यही सोचकर बेटे के लिए अपनी बिरादरी में रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए थे मिश्राइन ने। मिश्राइन की तलाश सफल हुई और उनके दूर के रिश्ते की भाभी की भतीजी उन्हें पसंद आ गई। नाम था सुनंदा, लड़की पढ़ी लिखी थी, दिखने में अच्छी थी, पढ़ने ओढ़ने का सलीका था, और सबसे अच्छी बात जो मिश्राइन को पसंद आई कि लड़की ने गीता, महाभारत, रामायण, यहाँ तक कि बाइबल और कुरान सब पढ़ के रखा था। घर के रीति रिवाजों को मन से निभाती थी। मिश्राइन तो यह सुन के फूली ना समाई, वरना आजकल की लड़कियां जरा सा पढ़ लिख क्या जाती है, सबसे पहले अपने रिवाजों और अपनी परंपराओं से मुंह मोड़ती है। बस तय कर लिया था कि उनके घर में तो सुनंदा ही बहू बन के आएगी। मिश्राइन की किस्मत भी देखो, बेटे ने भी माँ की पसंद पर मोहर लगा दी। सुनंदा ने राकेश को पसंद कर लिया और रिश्ता तय हो गया। उस पर सोने में सुहागा ये, शादी तय होते ही राकेश को कई नए ऑर्डर मिले। बहू का पैर गुणकारी है मिश्राइन, ये सोच सोच ना आगाई। दशहरे पर सगाई और आखातीज पर शादी, मुहूर्त पक्का हो गया। मिश्राइन ने के सारे जेवर निकाले, पुराने तोड़वाकर नए डिजाइन में ढलवाए और उन्हें चढ़ाया बहू के चढ़ावे में। घर में बनारसी कारीगर बिठाया और ऐसी जरी लगवाई साड़ियों पर कि जो देखता देखता ही रह जाता।
साड़ियों ने सुनंदा के रूप को निखारा या साड़ियां सुनंदा के पहनने से खिल उठी, कहना मुश्किल था। हफ्ते भर पहले से मेहमानों को निमंत्रण दिया गया। ऐसी शादी हुई कि सारे मोहल्ले और रिश्तेदारों में याद रखी गई। सुनंदा ने भी आते ही घर को उनके सदस्यों को अपना बना लिया। दोनों ननदों से सखियों वाला रिश्ता बनाया तो मिश्रा इनको माँ जैसा दर्जा दिया। ननदे भाभी से स्नेहिल उपहार पाकर उसकी तारीफ करते विदा हुई। जल्दी ही सुनंदा ने घर की जिम्मेदारी और माँ आपने बहुत कष्ट किए, अब मैं आ गई हूँ, आप आराम कीजिए और जो चाहिए मुझे बताइए, कहकर मिश्राइन का दिल जीत लिया। मिश्राइन अपने भाग्य पर बहुत इतराई। काश कि यह सब ऐसा ही चलता रहता। महीने भर बाद मिश्राइन के मन में आया कि घर में कथा रखवाई जाए। परिवार में जो महाराज पूजा करवाते थे उन्हें निमंत्रण दिया गया। महाराज जी ने पूजा के सामान की सूची भिजवा दी। सुबह 10 बजे तक सारी तैयारी करके रखने को कह गए। मिश्राइन ने सूची का सामान मंगवाकर सुनंदा को थमा दिया और निश्चिंत हो गई। सुनंदा ने मन लगाकर पूजा की ऐसी तैयारी लगाई कि महाराज जी भी कह उठे, कितनी सलीकेदार बहू लाई हो मिश्राइन। मिश्राइन मुस्कुरा दी थी। पूजा संपन्न हुई, अब कथा की बारी थी। महाराज जी ने अंतिम अध्याय खत्म किया था कि सुनंदा बोली, महाराज जी आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा उठता है जब जब मैं कोई कथा सुनती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल पूछो बेटा, ईश्वर की भक्ति में शंका कुशंका की कोई आशंका ही नहीं है, महाराज जी बोले। तो महाराज जी आपने ही कहा कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर हमारे पिता है। हाँ बेटी बिल्कुल सत्य है। तो फिर हर कथा में ये क्यों लिखा जाता है कि यदि व्रत तोड़ा तो ये सजा मिलेगी, यदि ये न चढ़ाया तो ऐसा होगा, प्रसाद न खाया तो कोढ़ होगा, यह न किया तो संतान को कष्ट होगा। हमारे परम पिता क्या इतने क्रूर हो सकते हैं कि अपने बच्चों को गलतियों की इतनी बड़ी सजा दे। सुनते ही महाराज जी सकपकाए थे। बेटी शास्त्रों में यही लिखा है और शास्त्रों की वाणी ईश्वर की वाणी है। सुनंदा बोली, महाराज जी मुझे तो लगता है भगवान बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सही रास्ते पर चले, ना खुद दुखी हो ना दूसरों को दुख दे। बाकी ये सारे शास्त्र तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं और वो भी अपने स्वार्थ के लिए। महाराज जी जल्दी जल्दी अपना सामान समेट कर चल दिए थे। मिश्राइन बहू के व्यवहार पर हतप्रभ थी। महाराज जी के जाते ही बोली, बहू ये क्या किया तुमने, शास्त्रों पर ही सवाल उठा रही हो। महाराज जी से बहस कर डाली। माँ मैंने बहस नहीं की, मैं तो बस जानना चाहती थी कि सच क्या है। ईश्वर से तो प्रेम करना चाहिए ना माँ, ये लोग तो हमें डरा धमका कर ईश्वर की पूजा करने को कह रहे हैं, सुनंदा समझाइश के सुर में बोली थी। मिश्राइन को न उसकी बातें रुचि थी न उसका व्यवहार। राकेश से कहा तो वह हंस पड़ा, लो चलो महाराज जी से सवाल जवाब करने का साहस किसी ने तो किया। कई दिनों तक मिश्राइन अनमनी सी रही। घर में आए 4 दिन हुए पर सुनंदा उतनी सहज थी, जिससे मिश्राइन का गुस्सा भी धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया। आषाढ़ बीता, सावन आ गया। मिश्राइन के घर गौरी पूजा का बड़ा महत्व था और इस बार तो बहू की पहली गौरी पूजा थी। सुनंदा ने बड़े उत्साह से तैयारी की। 11 सुहागिनों को नेक देने थे, फिर खाना पीना। मिश्राइन ने सुनंदा से कहा, बेटा अपनी सहेलियों को ही बुला लेना, अब हमारी उम्र की बहुओं के तो जमाने गए, पर हाँ ब्राह्मण हो ये ध्यान रखना। प्रस्ताव सुनकर सुनंदा ने हामी भरी। नियत दिन पर सुनंदा ने सवेरे उठकर सारी तैयारी की, गौरी पूजा की भोग लगाया मिश्राइन का मन देखकर। शाम हुई, सुनंदा की सहेलियां आने लगी। मिश्राइन बैठक में आई तो वहां केवल 7 ही महिलाएं थी। उन्होंने सुनंदा से पूछा, बेटा 11 नेक देने हैं, बाकी कहाँ है। बस आती होंगी माँ, सुनंदा मुस्कुराई। सुनंदा ने सहेलियों का परिचय देना शुरू किया। ये है वैशाली त्रिपाठी, इनके पति है ना पिछले ही साल एक्सपायर हुए हैं, ये है लेकिन ये मेरी बहुत अच्छी सहेली है। यह है सरोज मीना, ये सीमा प्रजापति, ये स्वस्ति डैनियल, ये सोना खान। नाम सुनते सुनते मिश्राइन चकराने लगी थी। सुनंदा को कोने में बुलाकर बोली, बेटा ये सब ब्राह्मण ही है ना। सुनंदा बोली, माँ ये सब स्त्रियां हैं और मेरी सहेलियां हैं। और बाकी 4, उनका दिल कांप गया था। हाँ है ना, अपनी मेहरी है, मिसरानी है, इस्त्री वाली दादी है और सब्जी वाली दीदी है, सब बस आती होंगी। मिश्राइन को मानो लकवा मार गया था। कितने जतन से सुरक्षित रखा था उन्होंने अब तक घर की कुल परंपराओं को, और नेक भी मेहरी मिसरानी और सबको बांट रही है, अब सबके सामने क्या बोलती।
मन मारे मुस्कुराती रही, पर सबके जाते ही फट पड़ी। क्या तमाशा लगा रखा है बहू, आज तक इस घर में ऐसा नहीं हुआ जो तुमने आज कर डाला है। गौरी पूजा के नियत क्या गैर जात मैरी मिसराइन सब्जी वालों को देने होते हैं? क्या तुम्हें नहीं पता ये पवित्र पूजा होती है जिसका नए घर कोई नहीं ले सकता है? सुनंदा ने हौले से कहा, माँ ये सारे रीति रिवाज क्यों बनाए गए हैं? जरा सोचिए ना, सुहाग का नेक किसे देने से उपयोगी होगा और सुहाग का नेक देने का मतलब क्या है? क्या बिना सुहाग के स्त्री का कोई मोल नहीं है? आपको क्या लगता है, आपके पहचान की है जो रिश्तेदारी की महिलाओं को इनकी जरूरत है? नहीं माँ, इसलिए तो मैंने ये उन्हीं को देना शुरू ठीक समझा जो इस नेक की जरूरत को समझता है। उनके लिए नेक कीमती है, ये इन चीजों को प्रेम से पहनेगी। हमारी दी गई मिठाइयां किसी के चेहरे पर खुशी लाएगी। मिश्राइन पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई थी। बहू की बातें उन्हें ठीक तो लग रही थी, पर अब तक जो कुछ खानदान में होता आया है, जो समझाइश उन्हें अपनी सासू माँ से अपनी माँ से मिली थी, उसे गलत कैसे साबित होने देती? एक बार मन में आया कि राकेश को सब कुछ बता दिया जाए, वही खबर लेगा इसकी। पर फिर ख्याल आया, छोटी छोटी बातों के लिए राकेश के कान भरना ठीक नहीं है, वैसे भी उसके लिए काम की उलझने कम तो नहीं है। मिश्राइन ने चुप साध ली। हालांकि अब तक जो कुछ ना हुआ वो सब इस घर में घट रहा है, यह सब धुक धुक उनके मन में लगी हुई थी। पर बात यही खत्म नहीं होने वाली थी, अभी तो बड़ा धक्का बाकी था मिश्राइन के सब्र का बांध तोड़ने वाला। सावन बीता, करवा चौथ आई। सुनंदा की पहली करवा चौथ थी, मिश्राइन बड़ी खुश थी। मिश्रा जी के सन्यासी होने के बाद कुछ साल तक तो मिश्राइन ने यह व्रत रखा। फिर बड़े बूढ़े बोले, जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में है ही नहीं, उसके लिए व्रत रख के उसकी तपस्या को क्यों भंग कर रही हो? मन मानकर मिश्राइन ने व्रत रखना छोड़ दिया। अब इतने सालों बाद घर में फिर उसी उत्सव का माहौल था। बहू के लिए नया जोड़ा खरीदा, सुहाग का सामान खरीदा, आस पड़ोस की नई बहुओं को निमंत्रण दिया। सुनंदा ने हैरानी से पूछा, इतनी तैयारी किस लिए माँ? अरे भूल गई क्या, करवा चौथ है परसों, मिश्राइन उत्साह से बोली। है तो माँ, पर मैं ये व्रत नहीं रखना चाहती, सुनंदा ने हिचकते हुए कहा। क्या अंडबंड बक रही हो, मिश्राइन का पारा सातवें आसमान पर था। अब क्या अपने पति के लिए भी व्रत नहीं रखोगी? माँ दिक्कत व्रत रखने में नहीं है, बस मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे व्रत रखने से मेरे पति को कैसे लाभ होगा, और व्रत रखना ही है तो इतना दिखावा क्यों? और फिर ये भी है कि मैं भी तो अपने पति के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हूं ना, तो फिर मेरा पति मेरे लिए क्यों व्रत नहीं रखेगा? बस बस, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। अरे सालों से हमारे पुरखे यह सब ऐसे ही नहीं करते आए होंगे, कुछ तो सोचा होगा ना उन्होंने। दिक्कत तो यही है ना माँ, उन्होंने ना कुछ सोचा और ना हमने कुछ सोचा, सुनंदा बुदबुदाई थी। राकेश की समझाइश पर करवा चौथ के दिन सुनंदा ने निर्जला व्रत रखा तो, लेकिन शाम होते होते सुनंदा की तबीयत बिगड़ने लगी और हार कर मिश्राइन को उसे पूजा से पहले ही पानी और खाने के लिए फल देने पड़े। मिश्राइन को पूरा शक था कि सुनंदा ने जानबूझकर तबीयत बिगड़ने का बहाना किया है ताकि व्रत पूरा ना हो सके, मन की कर सके। मन में डर भी बैठ गया था कि पता नहीं पूजा अधूरी रहने का क्या फल भुगतना पड़ेगा, और मिश्राइन की आशंका सच हो गई। दिवाली के बाद खबर आई कि मिश्रा जी अर्थात उनके पति ने बीमारी के चलते प्राण त्याग दिए हैं। मिश्राइन पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा था। भले ही पति का सहारा ना था, मगर माथे पर उसके नाम का टीका और मांग में सिंदूर तो था, समाज के कार्यक्रमों में सुहागिन के नाम से हिस्सेदारी का अधिकार तो था। वे रो रो कर दूरी होती जाती थी और बहू को दोष दिए जाती। सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, जब से घर में आई है भगवान के नियम कायदों से खिलवाड़ कर रही है, इसी का दंड मिला है मुझे। हे भगवान, ऐसी बहू किसी को न दे। राकेश ने उनकी बेटियों ने बहुत समझाया था कि पिताजी की मृत्यु एक संयोग है और वो बीमारी के चलते गुजरे, मगर मिश्राइन ने सुनंदा को दोषी मान लिया था। उन्होंने सुनंदा से बातचीत भंग कर ली, बंद कर ली और घर से अपना ध्यान भी हटा लिया। इसी बीच घर में नए मेहमान के आगमन की खबर आई, पर पता नहीं वे कैसे इतनी निष्ठुर हो गई थी कि सुनंदा को मन भर आशीष भी नहीं दे पाई और उसके सिर पर प्रेम से हाथ भी ना फिरा पाई। सुनंदा को सामने देखते ही उन्हें मिश्रा जी याद आ जाते और वे व्यथित हो उठती। डॉक्टर ने पहले 5 महीने तक सुनंदा को आराम करने के लिए कहा। राकेश ने जैसे ही
बताया। बेतपाक से बोली, उससे कहो अपने मायके चली जाए, इतनी सेवा टहल कर। माँ का अड़ियल रुख देखकर मन मारकर राकेश सुनंदा को उसके मायके छोड़ आया। 9 माह बीते, सुनंदा ने स्वस्थ गोलमटोल बिटिया को जन्म दिया। सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। पोती के जन्म की बात सुनते ही मिश्राइन की ननद यानी राकेश की बुआ घर आ धमकी। बुआ के बच्चे विदेश में थे, पति को अपने कारोबार में व्यस्त थे, उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था, साथ ही जच्चा बच्चा की देखरेख का भी भारी चाव था। प्रसव के 40 दिन बाद सुनंदा ससुराल लौट आई और बुआ ने जच्चा बच्चा की सारी जिम्मेवारी अपने सिर ले ली। मिश्राइन अब भी उतने बेखबर होने का बहाना भले ही कर रही थी, लेकिन पोती को खिलाने का चाव तो उन्हें भी व्याकुल किए दे रहा था। कुछ दिनों बाद बच्चे का नामकरण समारोह आयोजित किया गया। घर में सालों बाद पलना हिला था, सारे रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया गया। वाले दिन बुआ जी सुनंदा और राकेश की बहनों के साथ रसोई में थी कि मिश्राइन वहां पहुंची। उन्हें देखते ही बुआ जी बोल पड़ी, भाभी आज के दिन आप बाहर ही रहो तो ठीक है, पूजा हो जाए, सुहागिन का खाना हो जाए, फिर काम को हाथ लगाना। बच्ची का मामला है, सब कुछ सुहागिन के हाथों से ही हो तो ही अच्छा है। मिश्राइन का चेहरा क्षोभ के मारे काला पड़ गया था। उन्हें अब तक अपने द्वारा अन्य विधवा स्त्रियों के साथ किया गया व्यवहार याद आने लगा था। सुनंदा कुछ कहती उसके पहले ही वे बाहर निकल गई। सारा दिन बंद कमरे में मुंह ढापे पड़ी रही, आंखों के आंसू तकिए को भिगोते रहे और अपनी किस्मत को दोष देती रही। शाम हुई, बिटिया को पालने में डालने और बहू की गोद भरने का कार्यक्रम था। वे दरवाजे से लगी बाहर की आहट लेने का प्रयास कर रही थी, तभी जोर से दरवाजा भड़बड़ाया। उन्होंने दरवाजा खोला तो सुनंदा सामने थी। उसने अधिकार पूर्वक उनका हाथ पकड़ा और उसे लेकर मेहमानों के बीच पहुंची। उसके हाथ में आरती का थाल दिया और बोली, बुआ जी बिटिया का पहला तिलक माँ करेंगी और मेरी गोद में पहला नेक भी माँ ही डालेंगी। बुआ जी और अन्य स्त्रियों की आंखें फटी रह गई थी। बुआ जी बोली, ये क्या गजब कर रही हो बहू, विधवा के हाथ से पहला टीका, इतना बड़ा अपशगुन। बुआ जी आप ही सोचिए, इसमें विधवा और सुहागिन होने से क्या फर्क पड़ता है। मेरी बेटी यानी माँ की पोती, भला दादी अपनी पोती का टीका करे और उसको अपशगुन कहा जाए, मैं इसे नहीं मान। अरे बहु ना समझ मत बनो, एक विधवा सुहागिन का टीका नहीं करती, तुम समझती क्यों नहीं हो। बुआ जी एक माँ अपनी बेटी का टीका कर रही है और उसे आशीर्वाद दे रही है, बस बात इतनी सी है, बाकी बातें मेरे लिए बेकार है, मेरे लिए सब बकवास है, सुनंदा दृढ़ता से बोली। बहु बात को समझो, कल को कुछ हो गया तो। अव्वल तो कुछ होगा नहीं बुआ जी, और अगर कुछ हुआ भी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, सुनंदा ने कड़क होते हुए कहा। बहन जी आप ही समझाइए इसे, बुआ जी ने सुनंदा की माँ से कहा। सुनंदा के मन में कोई बात आ जाए तो वो किसी की नहीं सुन, और मुझे लगता है वो ठीक ही तो कह रही है, सुनंदा की माँ ने हौले से कहा। अब जिसके जो जी में आए वो करो, ये नए जमाने की लड़कियां किसी की क्यों कर सुनेंगी, बुआ जी गुनगुनाते हुए एक और हो गई थी। सुनंदा ने उनकी बात अनसुनी कर दी। मिश्राइन से कहा, माँ मेरी और बिटिया की आरती उतारिए, देखो वह कैसे टुकुर टुकुर आपकी तरफ देख रही है। मिश्राइन की आंखों से झर झर आंसू बह निकले, कांपते हाथों से उन्होंने टीका किया, बहू की गोद में साड़ी, फल और मिठाई डाली, उसकी गोद भरी, फिर पोती के माथे पर तिलक लगाया, उसकी आरती उतारी। सुनंदा ने बच्ची को उनकी गोद में डाल दिया। बच्ची ने दादी के चेहरे पर हाथ फेरा, मानो उसके आंसू पोंछ रही हो। मिश्राइन ने सुनंदा को गले से लगा लिया, मन का सारा गुबार बह गया था। इस घटना को 2 साल बीत गए हैं, सुनंदा और उनकी बेटी एकदम स्वस्थ है। मिश्राइन के टीका करने से घर में कोई अनिष्ट नहीं हुआ है। हाँ एक अच्छी बात यह हुई है कि अब मिश्राइन भी मान्यताओं के अंधानुकरण के बदले उनको जांचने लगी है, उनके पीछे की भावनाओं को पहचानने की कोशिश करने लगी है और जो कुछ छोड़ा जा सकता है उसे छोड़ने की कोशिश में लगी है। थैंक यू सो मच। तो ये मेरी दूसरी कहानी थी और आशा है आपको पसंद आई होगी। तो ब्रजमोहन जी आप पूछ रहे थे कहानी संग्रह कहाँ मिलेगा, ये बोधि प्रकाशन से प्रकाशित है, अमेजॉन पर उपलब्ध है, भारती पंडित के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी उपलब्ध है ये। और रिसेंटली मतलब इस कहानी से जुड़ी मेरी इनफेक्ट बहुत कड़वी यादें अभी हो गई हैं, तो मुझे उल्लेख करना ज़रूरी लगता है इन चीज़ों का कि कितना भी कीजिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हटती नहीं है, मतलब समाज में सब चीज़ें विद्यमान है, हम सब लोग वो करते हैं जो पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, तो इसलिए बहुत चीजें मतलब हर चीज को बहुत बारीकी से परखना है कि घर की स्त्रियां भी क्या कर रही है, घर के बाहर भी क्या हो रहा है, हम
घर के अंदर भी किस तरह से पूरे के पूरे ये जो सत्ता वाला जो पावर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको कायम रखे हुए। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी पिछले साल उनकी डेथ हुई और इन सब चीज़ों से मैं दो चार हो रही हूँ। तो हम चाहें एक दूसरे को सुशिक्षित कहें कुछ भी कह ले, लेकिन बहुत कुछ बदलना है, बहुत मुश्किलें हैं मतलब सबके लिए। तो यही है जी। तो आशा है कि आप सभी को पसंद आया होगा। मुझे दिया गया समय समाप्त हो रहा है, तो आपके सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो जुड़े हैं इस पर, और आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। इसी आशा के साथ आप अमेजोन पर बुक सर्च कर सकते हैं, दोनों बुक्स वहाँ अवेलेबल हैं, कहानी संग्रह भी है। फेमिना की वेबसाइट पर आपको कहानियाँ पढ़ने को मिल सकती हैं, सभी कहानियाँ फेमिना में भी लगभग प्रकाशित हुई हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार मुझे सुनने के लिए और मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए। थैंक यू सो मच।